यू. मेरा आपसे ये सवाल, जैसे अभी खुद रानू जी ने कहा था कि वो मुकेश जी, लता जी, इन सब के गाने सुन सुन के उन्होंने सीखा है, एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट स्कूल वन कैन लर्न फ्रॉम. सो मेरा आपसे सवाल है कि लता जी ने हाल ही में कहा था दैट इमिटेशन हैज इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन एंड इट्स नॉट अ ड्यूरेबल यू नो कंपेनियन टू सक्सेस. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, मुझे ऑलवेज ये लगता है कि कौन से कॉनोटेशन में लता जी ने ये बात एग्जैक्टली कही थी. मुझे ये लग रहा है कि वो यही है कि जैसे आज अगर कोई कोई बहुत ही, जैसे अरिजीत सिंह है, बहुत ही ग्रेट सिंगर है मेरे हिसाब से, और बिल्कुल उन्हीं की तरह अगर कोई गाने लगे सेम, तो जब अरिजीत जी हैं तो फिर वो क्या होता है, वो वर्क उतना नहीं करता है. लेकिन इवेंचुअली एक इंस्पिरेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. हर सिंगर ने इंस्पायर होके ही किया है. जैसे कुमार शानू जी हमेशा कहते हैं कि भाई किशोरदास से हम सभी इंस्पायर्ड रहते हैं ना कहीं जब मैंने हाई पिच सिंगिंग शुरू की तो लोगों ने नेजल सिंगिंग कही, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिंगिंग ऑलवेज नेजल ही थी और अब बहुत कॉमन हो गई है. तो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं, कि आप कौन से जोन में आपके जो वोकल एम्पलीफायर्स होते हैं या जो आपके आपके रिफ्लेक्सेस आपके ब्रेन को क्या सिग्नल देते हैं कौन से जोन में जाने के लिए, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ अ सेकंड दैट यू हैव टू पिक अप द नोट्स इन म्यूज़िक. अब जब ये बात है तो कहीं ना कहीं बॉर्न टैलेंट इनमें है और वो इंस्पायर ज़रूर हुई हैं लता जी से. बट वैसे भी लता जी जैसा लेजेंड तो कोई नहीं बन सकता, वो लेजेंड है, शी इज़ द बेस्ट. बट कहीं ना कहीं उनको एक इंस्पिरेशन मानकर जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी एक दास्तान लिखी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है. तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि लता जी का जो 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 लाइन थी वो ये थी कि भाई इंस्पायर हो जाओ. वो इंस्पायर वर्ड शायद उन्होंने उस किस तरह से, मुझे ये लग रहा है कि उस बात, उस लाइन का मीनिंग ये है कि इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट कॉपी करना ज़रूरी नहीं है. तो इन्होंने वैसे भी कॉपी की नहीं है.